Good morning my dear students. This is Dr. Sakshi Mittal welcomes you all in today's lecture. I hope you all are safe at your homes. Today I am going to teach you a play, The Envoy by Bhas. Firstly, I will tell you the pretext of the play, then major points of the play, and in the next video, we will do the brief summary of the same. Let's begin. फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द राइटर भास इज़ नॉन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर इन क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ही इज द अर्लिएस्ट नॉन ड्रामाटिस्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वह प्राचीन भारत के प्राचीनतम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं मोस्ट ऑफ द डिस्कवर्ड प्लेज ऑफ भास डील विद द ओरिजिनल थीम्स सच एज हिरोइजम

रामायणा और महाभारता से ही ली है जो हमारा प्ले द एन वॉय है ये भी महाभारता से लिया गया है डेट्स वाई आई वॉन्ट टू टेल यू द प्रिटेक्स्ट ऑफ द प्ले नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एपिक महाभारता फ्रॉम विच दिस प्ले द एन वॉय हैज़ बीन टेकन बात बहुत पुरानी है कुरु वंश में धरती के राजा भारत जिनके नाम से महाभारत शब्द लिया गया है उनके दो पुत्र थे पांडु व धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र बड़े भाई थे लेकिन वो जन्म से ही ब्लाइंड थे इसी कारण से सिंहासन पर उनको नहीं बिठाया गया वो जो कुरु वंश का सिंहासन था वो छोटे भाई पांडु के पास चला गया पांडु की थोड़े ही समय में मृत्यु हो जाती है उनके पांच पुत्र हैं युधिष्ठर भीम अर्जुन नकुल वह सहदेव ये पांचों भाई धृतराष्ट्र के द्वारा ही पाले गए क्योंकि कुछ समय के लिए वंश का जो ये सिंहासन था ये किसको दे दिया गया धृतराष्ट्र को इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडू के पांचों पुत्र शाही वातावरण में पले भड़े दोनों को ही सैन्य जो शक्ति है उसकी कलाएं उनके गुरु द्रोण से मिली और उनके दादा भीष्म से जो है उन्हें सारे सुझाव लेने की जो शक्ति होती है वो मिली फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र सबसे बड़े जो दुर्योधन थे उन्हें पांडवों को हस्तिनापुर की धरती से सुई के नोक के बराबर भी जमीन देना पसंद नहीं था वो बारी 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 बारी, बारी पांडु के सभी बेटों को मारने का षडयंत्र रचते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते पांडु जो हैं अपने चाचा विदुर और अपने कज़न कृष्ण की मदद से सारे के सारे मौत के प्रयासों से बच निकलते हैं कृष्ण पांडु की पत्नी कुंती के जो हैं भतीजे थे और कुंती पांडुओं की माँ थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और पांडु की दो पत्नियाँ कुंती और माद्री थी कृष्ण ने एक रिश्तेदार के रूप में कह सकते हैं धर्म को आगे बढ़ाने वाले के रूप में कह सकते हैं पांडुओं के सभी पुत्रों का साथ दिया लेकिन दुर्योधन ने बड़ी ही चालाकी से एक दिन जुए के खेल की जो है रचना की और चुनौती दी कि पांचों भाई आए और इसे खेलें दुर्योधन व उसके भाई ने एक एक करके पांडवों की सारी संपत्ति उसकी पत्नी द्रौपदी सब कुछ जो है दाव पर लगा दिया और द्रौपदी का जो है चीर हरण करने की भी कोशिश की लेकिन कृष्ण भगवान अपनी डिवाइन पावर से द्रौपदी की रक्षा करते हैं लेकिन पांडवों की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी थी किंगडम यूकेन से वो सब ठगी जाती है और उन्हें तेरह वर्ष के लिए वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है निष्काशन से वापसी के बाद पांडवों ने बड़े ही न्यायपूर्ण तरीके से दुर्योधन से अपनी राजधानी की मांग की लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया पांचों पांडवों ने कहा कि हम अपनी मांग को कम करते हैं तुम हमें सिर्फ पांच गांव ही दे दो लेकिन दुर्योधन ने फिर से वही जवाब दिया कि मैं तुम्हें एक पिन की नोक के बराबर की जगह भी नहीं दूंगा पांडव तेरह साल से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे अब युद्ध होता सा प्रतीत हो रहा था इसके बावजूद पूरे संसार में कुछ जो हैं राजकुमार दृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ थे और कुछ पांडव के पुत्रों की तरफ कृष्ण स्वयं पांडव के पुत्रों के लिए दूध की भूमिका निभाते हैं जो हमारे प्ले का टाइटल है द एनवॉय उसका इंग्लिश मीनिंग होता है मैसेंजर और हिंदी में आप क्या कहेंगे दूत जो कि किसी का मैसेज लेकर किसी के पास जाता है यहाँ पर दूत कौन है कृष्ण भगवान जो कि पांडवों के पुत्रों की तरफ से युदिष्ठर भीम अर्जुन नकुल सहदेव इन सब की तरफ से शांति की प्रार्थना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में एज ए दूत जाते हैं एज एन अनवॉय जाते हैं जब कृष्ण भगवान की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती तो अब युद्ध होना ही था कृष्ण का दुर्योधन के साथ सारा का सारा संवाद और जो दूसरे लोग उस समय दुर्योधन के दरबार में मौजूद थे ये सभी चीज़ें मिलकर इस नाटक की विषय वस्तु यू कैन से सब्जेक्ट मैटर का निर्माण करते हैं जिस प्ले का टाइटल है द एन वॉय आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ये प्ले है द एन इसमें मैसेंजर कृष्ण भगवान हैं महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन के दरबार में शांति की प्रार्थना के लिए शांति स्थापित करने के लिए कहाँ गए हैं दुर्योधन के पास गए हैं भाई ताकि हम युद्ध को टाल सकें लेकिन दुर्योधन जो है उसके लिए मना कर देता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्ले सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्रीफ समरी ऑफ द प्ले वेरी वेल द प्ले बिगिनस विद द एंट्री ऑफ द कैरेक्टर चैम्बरलिन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड चैम्बरलिन एंड ऑफिशियल हु मैनेज द होम एंड द सर्वेंट्स ऑफ अ किंगीन और एन इम्पोर्टेंट फैमिली इन द पास्ट सेंचुरीज चैम्बरलिन एक ऑफिशियल पर्सन होता है जो कि पुराने समय में घर में है किंग क्वीन है कोई इम्पॉर्टेंट फैमिली है वहाँ पर रखा जाता था जो सारे के सारी चीज़ों को मैनेज करता है तो हमारा प्ले जो है वो कैसे शुरू होता है एक कैरेक्टर है चैम्बरलेन वो वहाँ पर एंट्री करता है कन्वेइंग द कमांड ऑफ दुर्योधना चैम्बरलेन आस्क द प्रिंसेस टू असेंबल इन द काउंसिल चैम्बर काउंसिल चैम्बर वो सभागार वो दरबार बताया गया है जहाँ पर सभी बैठकर विचार विमर्श करेंगे दुर्योधन की कमांड को और यू कैन से ऑर्डर को कन्वे करते हुए चैम्बरलेन सभी राजकुमारों को सभागार में एकत्रित होने के लिए कहता है मीन वाइल हिमसेल्फ अपीयर्स विद रॉयल अम्ब्रेला एंड फ्लाई विस्क रॉयल अम्ब्रेला शाही छाता जो होता है फ्लाई विस्क जो राजकुमार होते थे उनके साथ में पीछे पीछे सेवक चलते थे बड़ा सा पंखा अपने हाथ में लेकर इसी बीच दुर्योधन खुद भी शाही छाते के साथ तथा पंखे करने वाले सेवकों के साथ वहां काउंसिल चैम्बर में पहुंच जाता है दुर्योधना ग्लोट्स द आइडिया ऑफ द फेस्टिवल ऑफ वार डेट इज़ एट कार्ड्स मैंने आपको प्रीटेक्स्ट ऑफ द प्ले में बताया है कि लॉर्ड कृष्णा मैसेंजर बनकर आए हैं युद्ध को रोकने के लिए तो दुर्योधना मन ही मन में बड़ा खुश होता है कि भई फेस्टिवल ऑफ वॉर जो ये युद्ध में सोच रहा था युद्ध जो होने वाला है उसकी मन ही मन में खुशी बनाता है दुर्योधना एड्रेसेस व्यकरण एंड वर्षदेव आस्किंग देम वहाँ टू पर्सनस हैं उनसे दुर्योधन पूछता है हु इज़ फिट एज कमांडर इन चीफ ऑफ इज आर्मी मेरी सेना का सेनापति कौन बनने के योग्य है द सन ऑफ गंगा भीषमा ज प्रपोज टू बी द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ कुरुज़ गंगा पुत्र भीष्म कौरव सेना के सेनापति के रूप में जो है प्रस्तावित किए गए प्रपोजल दिया गया कि हमारी सेना के सेनापति बनने की योग्य गंगापुत्र भीष्म है मीन वाइल चैम्बरलेन एंटर्स एंड इनफॉर्म्स द गैदरिंग डैट कृष्णा हैज़ कम फ्रॉम द कैम्प ऑफ पांडूज इसी बीच चैम्बरलेन आता है और वहाँ एकत्रित हुए सभी लोगों को ये इन्फॉर्म करता है कि पांडुओं के कैंप से कृष्ण आए हैं चैम्बरलिन यूजेज नोबल वर्ड्स फॉर कृष्णा इन फ्रंट ऑफ दुर्योधना, सच एज द बेस्ट ऑफ मैन चैम्बरलिन दुर्योधन के सामने कृष्ण के लिए बहुत ही नोबल वर्ड्स यूज करता है जैसे कि पुरुषों में उत्तम एडजेक्टिव सच एज द बेस्ट ऑफ मैन इनफ्यूरेट द्र्योधना ये एडजेक्टिव लॉर्ड कृष्णा के लिए जो कि चैम्बरलिन ने यूज़ किया है कि वो पुरुषों में उत्तम है दुर्योधन को बहुत ही क्रोधित कर देते हैं दुर्योधना प्लान्स टू अरेस्ट कृष्णा इंस्टेड ऑफ वेलकमिंग हिम इन हिज कॉट अपने दरबार में कृष्ण का स्वागत करने की बजाय दुर्योधन एक प्लानिंग बनाता है कि मैं कृष्ण को बंदी बना लूँगा बिफोर कृष्णाज एंट्री इंटू द काउंसिल चैम्बर द्र्योधना कमांड्स चैम्बरलेन टू ब्रिंग द पेंटिंग विच शोज द्रौपदी बींग ड्रैग्ड बाई हेयर सभागार में कृष्ण की एंट्री से पहले ही द्र्योधन चैम्बरलेन को ऑर्डर देता है कि जाओ वो पेंटिंग लेकर आओ जिसमें द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए चित्रित किया गया है मैंसरू से जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया था तो उन्हें बालों से घसीटते हुए दरबार में लाया गया था तो उसकी एक पेंटिंग बनवाकर दुर्योधन ने रखी हुई है कृष्ण के सभागार में आने से पहले वो चैम्बर को कहता है कि जाओ वो पेंटिंग लेकर आओ कृष्णा एज एन वॉय इन दुर्योधना द्र्योधना डैट एंड हिज ब्रदर्स वॉन्ट टू कन्वे टू यू डैट दे हैव सफर्ड अ लॉड एंड नाउ इट इज़ टाइम टू डिवाइड द इनहेरिटेंस एंड टू गिव द ड्यू शेयर टू देम कृष्णा दूध के रूप में दुर्योधन को कहते हैं कि युधिष्ठर और उसके भाइयों ने ये बात कहलवाई है कि वो बहुत ज़्यादा कष्ट झेल चुके हैं अब समय आ गया है विरासत का जो कुछ है उनमें बांट दिया जाए और उनका हिस्सा उनको दे दिया जाए दुर्योधना फेल्स टू अंडरस्टैंड द एडवाइस ऑफ कृष्णा एंड अटर्स दुर्योधन तो कृष्ण की सलाह को समझने में असफल हो जाता है और कहता है यू आर नॉट वर्दी ऑफ बींग स्पोकन विद तुम तो बात करने के भी लायक नहीं हो दुर्योधना कमांड्स टू अरेस्ट कृष्णा फॉर वायलेटिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन वॉइस जो दूत आता है उसके कुछ नियम होते हैं दुर्योधन दूत नियम तोड़े जाने पर कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है कहता है कि तुम मेरे दरबार में एक दूध की तरह आए हो लेकिन तुमने दूध के नियमों का उल्लंघन किया है इस बात पर मैं तुम्हें बंदी बनाने का आदेश देता हूँ सुदर्शना द डिवाइन डिस्क इज परसोनिफाइड बाई द प्ले राइट एज इट इज शोन एज अ स्पीकिंग कैरेक्टर इन द प्ले यहाँ भास ने पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस को यूज किया है सुदर्शन जो कि एक दैविक चक्र है हम यहाँ सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं उसको अबायोटिक थिंग होने की वजह से बायोटिक की फॉर्म में दिखाया गया है और वो बोलता है और कृष्ण भगवान से बात करता है सुदर्शन चक्र जो कि एक दैविक चक्र है उसको इस नाटक में परसोनीफाइट किया गया है और वो एक बोलता हुआ कैरेक्टर दिखाया गया है कृष्णा टेक्स यूनिवर्सल फॉर्म एंड समन सुदर्शना कृष्ण भगवान जो है अपनी यूनिवर्सल फॉर्म एक्वायर करते हैं और सुदर्शन चक्र को अपने पास बुलाते हैं क्यों क्योंकि वो दरबार में एज अ दूत आए हुए हैं सब्सिक्वेंटली वन इन द्र्योधनाज कोर्ट सक्सीड्स टू अरेस्ट कृष्णा इसके बाद कोई भी दुर्योधन के दरबार में कृष्ण भगवान को बंदी बनाने में सफल नहीं होता है कोई भी जो है आगे नहीं बढ़ता कि कृष्ण भगवान को वो अब बंदी बनाए कृष्णा डज़ एक्सेप्ट दैट ही हैज ओवर लुक्ड द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन एन वॉय कृष्ण भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने दूध की मर्यादा को लाघा है देयर फॉर ही आस्क सुदर्शना टू रिटर्न टू हिज होम इसीलिए वो अपने सुदर्शन चक्र को कहते हैं कि चलो हम वापस घर चलते हैं धृतराष्ट्र अपोलोजाइज फॉर द बिहेवियर ऑफ हिज सन वेद कृष्णा धृतराष्ट्र अपने बेटों के द्वारा कृष्ण भगवान के साथ किए हुए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं कृष्णा एक्सेप्ट्स द रिचुअल ऑफ वेलकम ऑफर्ड बाय धृतराष्ट्र एंड लीव्स द कोर्ट। कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र द्वारा किए गए परंपरागत कोई अगर हमारे घर आता है तो रिचुअल है कि हम उसका स्वागत करते हैं उसको स्वीकार करते हैं और दरबार को छोड़कर चले जाते हैं हेयर द प्ले कम्स टू इट्स एंड और हमारा प्ले यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड How the title of the play is justified, The Envoy, and from which part of the Mahabharata our play, The Envoy, has been taken. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Do not forget to like, share, and subscribe the channel. Thank you.